ये देखिए आप लोगों को सुनाती हूँ अभी कैसे पंचायत हो रही है यहाँ। गंभीर समस्या में पंचायत चल रही है। तो फिर तारीफ कर रहे थे, कह रहे बहुत अच्छी, नहीं देखने से ही पता चलती है बहुत अच्छी है। लाइट चली गई क्या? ये हमको सूट करने आई है। सुनिए पंचायत देखिए कैसे करती हैं, आमने सामने भाभी और मौसी खड़े होकर पंचौरा करते हैं हम लोग। पंचौरा चलता है इधर। ए सालू, सालू को पंचौरा करेंगे। प्रीति लिखने जा रही है सालू को पंचौरा कर रहे हैं। आज का टाइटल होगा पंचौरा कि कैसे सिटी के अंदर कैसे होते पंचौरा करती है, बाहर तो जा नहीं पाती। गाँव में पंचौरा होता है, गाँव में बात लोगों का भी तो चलता है हमेशा। नहीं नहीं मेरा नहीं चलता है, हम जहाँ बैठ जाते हैं वहाँ चालू हो जाता है। ये देखिए चूड़ियाँ मिली अभी हमको चार कड़े। अच्छा यही देने के लिए बुलाया था भाभी ने और अब पंचायत करने लगी है कड़े होकर। क्या करें मौसम अच्छा। जाओ नीचे जाओ काम करो जाके। काम हो गया, नीचे जाओ। खुद ही आप बतिया रही हैं और आपसे कह रही जाओ काम करो जाके। ज्यादा खड़ी नहीं हुआ करो। क्यों? नहीं गंदी बात नहीं अच्छी बात। नमस्कार, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? और वीडियो मेरा स्टार्ट हो चुका है, वेडनेसडे का वीडियो है ये। रात में देखिए डिनर बन रहा है यहाँ पे मेरा, तो दम आलू बनाने जा रहे हैं। देखिए आलू में एक दो आपको छेद कर लेने, यानी कि चाकू से इस तरह कर लीजिए छेद हो जाएंगे। उसके बाद देखिए खूब सारा ऑयल लिया उसमें डीप फ्राई कर रहे हैं। आप लोग ना चाहें यानी कि डीप फ्राई करना ना चाहें तो ऐसे ही बनाइए, यानी कि जो ग्रेवी होगी उसमें धीमे धीमे पकाते रहिए। कुकर वगैरह में भी छौंक सकते हैं, हल्का सा नमक ऐड करके ना मीडियम फ्लेम पर पका रहे हैं। हल्की सी कोटिंग आएगी उससे भी आपको पता चलेगा, यानी कि कलर आलूओं का चेंज हो जाएगा, हल्के से ब्राउनिश टाइप में ये हो जाएंगे, पिंक टाइप में, तो लगेगा ये पक गए हैं। बाकी आपको चेक भी कर लेना। देखिए आलूओं में हल्के से छेद किए हैं एक दो, उसके बाद ढक के इनको पका रहे हैं, डीप फ्राई कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे पेस्ट बनाएंगे, तो प्याज लिया, टमाटर लिया, लहसुन लिया और थोड़ा सा अदरक है बहुत कम। तो आप चाहें तो टमाटर वगैरह स्किप कर सकते हैं, सिर्फ प्याज की ग्रेवी बनाइए, यानी कि प्याज का पेस्ट बनाइए। हमने ना टमाटर ऐड किए हुए हैं और दम आलू में दही, खोया वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं, काजू का पेस्ट वगैरह पड़ता है। ऐसे दम आलू नहीं बनते जिस तरह हम बना रहे हैं, बट ना ये दम आलू से कम भी नहीं लगेंगे। अगर आपके पास इस तरह के सामान नहीं है, घरेलू सामान से आप बनाना चाह रहे हैं जो आपके किचन में आराम से मसाले मिल जाते हैं, तो आप मेरी वाली सब्जी ट्राई कर सकते हैं। दम आलू से आपको कम नहीं लगेगी, आप बना के देखेंगे तो आपको स्वाद समझ में आएगा इसका। ये देखिए आलूओं को चेक करना है आपको, सिर्फ कलर से नहीं पता चलेगा, चेक करके देखिए आराम से टूट रहे हैं, यानी कि ये पक चुके हैं, इनको आपको निकाल लेना है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऑयल भर जाता, ऐसा हमें नहीं लगता है कि बहुत ऑयल होता है, क्योंकि आप ना थोड़े से सिम पे मत इनको फ्राई करिए, यानी कि डीप फ्राई जो कर रहे हैं थोड़ी सी फ्लेम को हाई या मीडियम पे रखिए। देखिए ये पक गए हैं सारे, इनको निकाल लिया आलूओं को, और एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना तो इस तरह से देखिए निकल जाएगा। आपको इस तरह से ये सामान अपने किचन में रखिए, जो है स्ट्रेनर वगैरह होते हैं ये रखिए। देखिए तेल को हमने कम किया हुआ है, जीरा ऐड किया है और देखिए थोड़े से खड़े मसाले ऐड करें हैं। खड़े मसाले ना हम ज़्यादा नहीं डालते क्योंकि बच्चों का घर है मेरा ना, तो वो लोग नहीं खाते हैं, थोड़ा सा कहते मम्मी मत डाला करिए। उसके बाद देखिए सब सामान हमारे भुन गए हैं, हल्दी ऐड करिए एक चम्मच, एक चम्मच कश्मीरी मिर्च ऐड करिए, और ये सबसे ज़रूरी जो होता है यानी कि बेसन, ये हम डालते हैं अपनी सब्जियों में क्योंकि इसका फ्लेवर हमको बहुत अच्छा लगता है। तो डेढ़ चम्मच यहाँ पे बेसन ऐड किया, हल्का सा भुना है, उसके बाद देखिए ये पेस्ट जो पीसा था वो मिला रहे हैं। तो बेसन की बात हमने आपसे बहुत सारे वीडियो में बताई हुई, अच्छे से इसको भूनेंगे ना तो इसका फ्लेवर ना बहुत अच्छा आता है, और सबसे सस्ती सब्जी पड़ती है आपको बेसन के साथ में। आप काजू वगैरह ना ऐड करें, दही है, खोया, ये देखिए कहीं ना कहीं महंगा पड़ता ही पड़ता है। आप इनको ना डालेंगे तो कहाँ से रोज़ रोज़ लाएंगे सब चीज़ें? अगर आपको इस तरह सब्जी बनानी है तो ये चीज़ें आपको महंगी पड़ेंगी पड़ेंगी। उसके बाद हल्का सा काला नमक ऐड करके ना इनको पका रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। तो ये है कि आप बेसन डालने के बाद आपको सब्जी को अच्छे से पकाना होगा, सॉरी सब्जी को नहीं ये पेस्ट को। और देखिए यहाँ पे ना धनिया पाउडर डेढ़ चम्मच मिलाया हुआ है, और जो है सब्जी मसाला मिलाएंगे आधी चम्मच। तो बस आपको कन्फर्म ये करना है कि आपका मसाला यानी कि जो पेस्ट है अच्छे से भुना है कि नहीं, और थोड़ा सा तेल जो होता है ऑयल ये ज़्यादा रखिएगा थोड़ा सा, जैसे आप नॉर्मल सब्जियों में रखते हैं बिना बेसन वाली सब्जियों में, उसके हिसाब से आपको इसमें ज़्यादा रखना पड़ेगा जब भी आपका बेसन भुनेगा, वरना ना कच्चा रह जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से भून रहे हैं, कलर से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि सब भुन गया है। भुनने के बाद देखिए यहाँ पे आलू ऐड कर देंगे, अच्छे से आपको पेस्ट को पका लेना है जब भी आप यहाँ पे आलू ऐड करें। देखिए आलू ऐड कर दिए, इनको मिक्स कर लिया, छोड़ दिया थोड़ी सी देर के लिए, और आप चाहें सब्जी को ऐसे ही रख सकते हैं यानी कि इस तरह जैसे हमने रखी हुई है। उसके बाद देखिए आप चाहें तो पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सब्जी आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा, हालाँकि
दम आलू प्रॉपर इसको नहीं बोलेंगे, मगर इस तरह से आप दम आलू बना सकते हैं अगर आपके पास सामान नहीं है। ये चीज़ देखिए, हम बार बार बोलते हैं इस तरह की चीज़ें, क्योंकि देखिए किचन के हैं हम भी, किचन में काम करते हैं, तो हम लोगों के पास हर तरह के सामान हर समय नहीं होते हैं, दिक्कत होती है मंगाने में, टाइम वेस्ट होता है, बैठ के इंतज़ार करो, ये सब करो। उससे अच्छा आप इस तरह ट्राई कर सकते हैं, हल्का सा गर्म मसाला ऐड किया है, उसके बाद थोड़ी देर पकाया, मुश्किल से 5 मिनट पकाना है आपको। देखिए कलर दिख रहा होगा, सब्जी की थिकनेस दिख रही होगी, ये देखिए बेसन की वजह से इस तरह आई हुई है। कसूरी मेथी हल्की सी ऐड करेंगे, जो नहीं खाते वो ना डालें। उसके बाद धनिया पत्ती ऐड कर देंगे, सब्जी हमारी बनके तैयार है, बिना मलाई, बिना खोए, बिना दही और काजू वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया, और दम आलू बनके रेडी हो गया हमारा। और रखने के बाद सब्जी आप लोग देखिएगा, वो देखेंगे तो आपको और अच्छी सब्जी लगने वाली। देखिए यहाँ से दिखा रहे हैं आपको, दम आलू रेडी है हमारा, ट्राई करिएगा और कमेंट में बताइए। देखिए यहाँ पर खाना पैक हो रहा है, सब्जी देखिए, टेक्स्चर देखिए इसका, आपको समझ में आ रहा होगा ये आपको ना बाहर वाली दम आलू लग रही होगी, जबकि इसमें कुछ भी नहीं पड़ा। मेरे ना नंदोई जी जाने वाले हैं, उनके लिए खाना पैक हो रहा है, एक्चुअली उन्हीं के लिए खाना बन रहा था, उन्होंने खाया नहीं है, और आगे ना उनकी और हमारी बातचीत देखिएगा आप लोग, सॉरी सुनिएगा, देखेंगे नहीं क्योंकि वो खड़े होके हमसे बात कर रहे हैं। आप मत जाइए, क्यों क्यों, ये तरीका होता है आने और जाने का, आप आते नहीं इसलिए हम चले आते हैं। अच्छा, और इसलिए भाग भी जाते हैं, हम आते तो सही है, आप आती भी नहीं है। अच्छा, हम ऐसे नहीं आएंगे आपकी तरह, तभी तो हम आते नहीं है, मतलब मेरी तरह, मतलब आए और भाग गए। अच्छा, खाना बाहर खा रहे हैं, परेशान करने कुछ नहीं। अच्छा, हम आएंगे खाना अपना लेके आएंगे, लास्ट रखा लो फिर, ऐसा करोगे? हाँ, खाना अपना लेके आएंगे या तो बाहर खाएंगे। अरे बाप, पूरा वीडियो बना इतना छोड़ो, सबूत है कि हम खिला रहे हैं आपको, आप झूठ नहीं बोल सकते। नहीं, सबूत है कि आपने ये 2 दिन तक घर में खाना नहीं खाया। नहीं खाया मैंने, रात को खाया खाना? नहीं खाया, नहीं खाया रात को, खाया मैंने दाल और चावल, खोल ना जाए। और देखिए यहाँ पे ना, ये देखिए नितिन जी हैं, यही मेरे नंदोई जी हैं, जा रहे हैं, हम लोग शॉप के बाहर ही खड़े हैं, बस ये निकलने वाले हैं, और थोड़ा सा लेट हो गए थे। ये देखिए मेरे हस्बैंड इनको छोड़ने जा रहे हैं, बस है ना, बस की टाइमिंग है इनकी। और देखिए यहाँ पे गोलू खड़े हुए हैं, हम लोग इनसे कह रहे हैं ना कि तुम भी चले जाते पापा के साथ, आप क्यों नहीं गए हो, तो वही कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। देखिए ननियार में बच्चों को बहुत मस्ती करने को मिलती है, थोड़ा सा फ्री हो जाते बच्चे ना, इसलिए हमारे गोलू को ना जाने का मन नहीं करता, कहता मामी हम नहीं जाएंगे। क्या है, मत करो ना। बार बार क्यों कर रही है? मेरे रूम की हालत, 10:30 बजे के बज गया रात का, और सब साफ करेंगे, बच्चे गए हैं चेंज करने के लिए, सोने की तयारी करने, अभी तो नहीं, खैर टाइम हो जाएगा बॉस सोने में। आजकल मेरे यहाँ ना, आजकल नहीं बहुत टाइम से मेरे यहाँ 11:30-12 बज जाता है, और मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा हो रखा है इस समय। और देखिए आपके यहाँ जब लोग आते हैं ना, खासकर जब बेटियां घर की आती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, और ना सारी बेटियां एक साथ इकट्ठी होने वाली है मेरे घर में। देखिए प्रीति तो आई गई है, आप वीडियो में देखते ही हैं, मोनी भी आई हुई है, एक बाकी रह गई यानी कि दीपा, जो मेरी छोटी नंद है ना वो, तो चारों बेटियां मेरे साथ इकट्ठी होंगी मेरे घर में। और ये देखिए दीपा की तैयारी करनी है, देखिए सब निकला पड़ा, सब सेट करेंगे, सब फैला हुआ है, देखिए ये सब दीपा का सामान रखा हुआ है ले जाने वाला, वो आ रही है अपने हस्बैंड के साथ में, दीपा मेरी छोटी वाली नंद ना अपने पति देव के साथ आ रही है, तो मगर भैया भी जाएंगे क्योंकि छोटा बच्चा भी साथ में है ना, तो मोनू भैया जाएंगे लेने, और कल जाएंगे वो सुबह मॉर्निंग में, तो बस तैयारी करेंगे उनकी, घर साफ करेंगे, शायद 12-1 हमको बच जाएगा लेटते लेटते, और जो थोड़े बहुत बच्चे भी मेरे हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है, मामी के टेस्ट खत्म हो गए हैं, तो खत्म हो गए, बस ये सामान वगैरह पैक करेंगे, दाले वाले हैं, जो भी मेवा वगैरह जाती है ना फेस्टिवल पे, त्योहार पे आने की राखी की वजह से सामान भेजा जा रहा है। मेरे यहाँ तीज नहीं होती, हम लोगों के यहाँ तीज नहीं होती है, तीज के बारे में लोगों को जानकारी भी नहीं जाता, बस देखने में अच्छा लगता है, सब लोग तैयार होते हैं, कपड़े वगैरह पहनते हैं, मगर तीज होती नहीं है। देखिए सामान रखे हुए अभी इकट्ठे करने, सब एक साथ पैक करेंगे, उठा के रखेंगे, और भैया सुबह शायद 5:30 बजे निकलेंगे मॉर्निंग में। वैसे ना वो हमेशा फ्लाइट से आती हैं, हमेशा, इस टाइम पहली बार है कि वो ट्रेन से आ रही हैं, क्योंकि उनका डॉगी जो है ना, उनका पेट, वो भी साथ में आ रहा, इसी वजह से बच्चा है वो है, उनके हस्बैंड है, सब लोग साथ में आएंगे। और कल क्या है, थर्सडे है,
उस वीडियो का एंड करेंगे, सारी सफाई करेंगे, खाना पीना हो गया, दम आलू ट्राई करिएगा। इस तरह से आप लोग जरूर ट्राई करिएगा, आपको पक्का अच्छे लगने वाले हैं। और जो है ये सब्जियां ना मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती हैं, और जिसका एक्सपीरियंस मेरे साथ अच्छा होता है वही चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे कि हमने घेवर बनाया हुआ है, और घेवर ना बहुत टफ रेसिपी ऐसा हमें लगता था। हमने शूट की हुई है, अभी डाली नहीं है, यानी कि एडिटिंग नहीं हो पाई है, तो दिन में डाल देंगे इसको, चला जाएगा कल परसों में चला जाएगा वो वीडियो। तो आप लोग ट्राई करिएगा, आप लोग मेरी रेसिपीज को ट्राई किया करिए, फिर एक्सपीरियंस शेयर किया करिए। हालांकि बहुत लोग ना हमको लिखते हैं कि आपका ना कुकिंग का चैनल होना चाहिए, और ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट करते हैं, और जो अप्रिसिएशन यही होता है ना, यही मोटिवेट करता है हमें। हालांकि बहुत कम कमेंट होते हैं मेरे, मगर जो होते हैं ना बहुत प्यारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। मेरे सब्सक्राइबर जो है ना थोड़े से ही हैं, मगर बहुत प्यारे लोग हैं जो कि स्टार्टिंग से हैं मेरे साथ, अभी भी हैं, तो अच्छा लगता है। और अगर ये फैमिली मेरी बड़ी होगी ना तो और भी अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ आप लोग शेयर किया करिए मेरे वीडियोस को, और ख़ासकर जो रेसिपीज अच्छी अच्छी लाते हैं, क्योंकि रेसिपीज़ को सूट करने में आपको बहुत टाइम लगता है, और हम हर वक्त ठंडा खाना खाते हैं, आलस में गर्म नहीं करते हैं। ज़्यादातर जो हम सूट करते हैं, ज़्यादातर या तो मेरी पहली थाली होती है मम्मी पापा की होती है, या तो लास्ट होती है यानी कि मेरी, और थोड़ा सा डेकोरेट करके दिखाते हैं। इस तरह हम नहीं खाते, हम झूठ नहीं बोलेंगे। आप मेरे लिए देखिए थक जाते हैं, इतना तो लगता है बस ऐसे ही खा लो, हालांकि करना नहीं चाहिए। जो बनाता है मेहनत करता है उसको अच्छे से खाना चाहिए, प्रॉपर तरीके से, और इतनी थकान हो जाती है, थके रहते हैं तो लगता है बस खा पी लो ऐसे। मेरा खाना हमेशा ठंडा हो जाता है, बाकी सबको हम खिला देते हैं जिद करके। तो बस सारा पैक वैक करके अभी रख देंगे रात में, ये देखिए बहुत सारा सामान है। तो वीडियो का एंड भी करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, ध्यान रखिए अपना, और जितना हो सके सपोर्ट करते रहिए मेरे चैनल को।